फील करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने की व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य हाउस में आके बैठ सकें। सभी पार्टी के नेताओं को यह मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और इस सबको पार्टी को यह मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है, बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ व्हिप अध्यक्ष को सौंपते हैं। मैंने किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं की, कहाँ बैठे कोई बैठे, ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है, अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है। और हमने सभी पार्टी के चीफ व्हिप को कहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपनी माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के व्हिप अपने अपने सदस्य को इस बात के लिए जानकारी देंगे। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो सदस्य सदन की इस कार्रवाई को अपने चीफ व्हिप की डायरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते। मुझे दुख है, न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूँ, न मैं ये व्यवस्था के संबंध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूँ कि हम सदन को किस तरह चलाएंगे। तब हमने कहा है कि जिन जगह पर माइक नहीं हो वो सदस्य पीछे जाकर अपनी बात माइक के सामने कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी के व्हिप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में उस माननीय सदस्य को अवगत कराया होगा। यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। इसके बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे जिस तरह के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। ये मेरे खेत का विषय है कि मेरे अध्यक्षीय निर्णय करने के बाद भी जीरो आवर में और स्थगन प्रस्ताव में जहां हमने निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते। यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें मुझे बहुत खुशी होगी, पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नियमों को लागू करने का मैं काम करूंगा। कोई नाराज है कुछ, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के व्हिप से कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देनी है कि उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये डिक्टेट करा है कि मैं यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते, और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं हूं जो किसी को वारंट निकाल कर एडर करो, डिसिप्लिन को आप ही के नियम और कानून के अंतर्गत सदस्य चलेगा तब सदन ठीक ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो, और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन कर रहे हैं। नहीं है तो पढ़े इसको किसका आपको पढ़े। मैं अपने कोई मन मर्जी से नियम नहीं बना रहा हूं, मैं लिबरल भी हूं, लिबरल भी इसलिए हूं कि जब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न एक बार आ जाए तो दोबारा सदन में नहीं आए, तब भी मैं प्रश्न की गंभीरता के आधार पर 295 स्थगन प्रस्ताव ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तब भी मैं करना चाहता हूं। हमने ये निर्णय लिया था, आप सबको मालूम है, पुलिस की डिमांड में सभी बोलना चाहते थे, पर कोई हमारे बजट के हेड को देखता नहीं है। इसलिए बिजनेस एडवाइजर कमेटी में हमने सब हेड को आइडेंटिफाई किया, हमने पुलिस की डिमांड डिस्कस नहीं कर रही थी, हमने एसीबी की डिस्कस कर रही है। शिक्षा विभाग के अंदर के शिक्षा कला संस्कृति में हमने डेलिबरेटली हायर एजुकेशन को डिबेट करने का काम किया, हमने जनरल एजुकेशन को डिबेट करने का काम नहीं किया, क्योंकि सदन में जो अलग अलग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो विभाग में सब हेड बन गए हैं उस सेब के आधार पर यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो उस सब हेड की गंभीरता नहीं होगी। इसलिए हमने सोच समझ कर हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर लिया, एक शिक्षा विभाग में लिया। माननीय गोविंद जी डोटा साहब जी, शिक्षा मंत्री जी, इनके मन में भी आया कि आप शिक्षा में क्या कर दिया भाई, हाँ हमारे 52 साल के बाद शिक्षा कला संस्कृति के हेड बन गए, शिक्षा अलग हो गया, स्पोर्ट्स अलग हो गया, कला अलग हो गई, संस्कृत अलग हो गई। हम शिक्षा कला संस्कृति में जब भी डिबेट करते हैं जनरल डिबेट करते हैं जिससे स्पेसिफिक उस पर फोकस नहीं जाता, इसलिए हमने इस बार भी एक कठिन निर्णय लिया कि किस तरह से हम इसको और अच्छा कर सकें। इसलिए हमारा प्रत आप सबके सहयोग से कि हम कैसे इस सदन की गरिमा को बढ़ाएं और ये प्लेटफॉर्म
ग्रीवेंसेज रीड्रेसल का प्लेटफॉर्म हो गया है। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून नहीं बनते हैं, कानूनों की संख्या कम हो गई है। आज़ादी जब बनी 1952 से उठा के देखे, जितने भी लैंड रिफॉर्म के लॉ हैं हिंदुस्तान में सबसे प्रोग्रेसिव लॉ राजस्थान में बने थे। घंटों डिबेट होती थी कानून बनाने की, आज कानून बनाने के काम बहुत कम होते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष यदि नीति बनाकर काम कर रहा है, विपक्ष उसमें सजगता रखे और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे तो लोगों का विश्वास होगा। ये मेरा एफर्ट से मेरा प्रयत्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं स्पीकर एक्टिविज्म में विश्वास करता हूँ, मैं साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनता हूँ। जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो मंत्री जी नाराज होते हैं, पर मेरी ड्यूटी बनती है। क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि पीएचडी के अंदर यदि पैसा इतना जा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पैसे का उपयोग करने का? ये मैं किसी मंत्री जी के नहीं, पल्ला साहब इतने सीनियर आदमी है, पर मेरे मन में भी तकलीफ है। 174 करोड़ की स्कीम 332 करोड़ रुपए हो जाए और अभी भी कंप्लीट नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें निश्चित तौर पर यह सोचा जाना चाहिए। और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, न हम कमेटी में इम्पोर्टेंस लेते हैं, न हम कमेटी का ध्यान रखते हैं, कमेटी के मेंबर हैं उसमें हम प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करते। सीएजी की रिपोर्ट पढ़े मेहरबानी करके, एक विभाग में ईयर आफ्टर ईयर यदि एक्सिस ग्रांट हो रही है तो वाई वी शुड हैव बी, वाई शुड हैव आर ई, वाई शुड हैव वेई। क्या हमने आज दिन तक किसी ब्यूरोक्रेट को बताया कि एक्सिस ग्रांट लगातार आपके डिपार्टमेंट में एक्सिस ग्रांट क्यों जा रही है? उसका प्रमोशन हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनता को पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो नए सिरे से हम सबको मिलकर इस राजस्थान में हम जनता के पैसे का सदुपयोग करें और सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी का प्लेटफॉर्म ये विधानसभा है। इसलिए मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, मेरे मिलने वाले जो हमारे सदस्य हैं उनको भी नाराज करना पड़ता है, पर जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को डिसिप्लिन करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की नहीं है, चीफ व्हिप की। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट डिबेट कैसे चले उनमें उनकी भूमिका है, अध्यक्ष की भूमिका है, रेफरी की भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये सब काम मुझे करने पड़ते हैं, ये मुझे मैंने बहुत पीड़ा है। इसमें आपसे सर्वोच्च निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप मुझ में अध्यक्ष का विश्वास है, जैसे आपने समय अनपोज मुझे बनाया, तो मुझे अनप्रेजेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी। और आप मुझे विश्वास नहीं है तो मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझे कहें कि साहब आप अध्यक्ष पद के लिए हम नए आदमी चुनते हैं, तभी मुझे खुशी होगी, मैं किससे नाराजगी नहीं होगी। पर जब तक मैं अध्यक्ष हूँ मैं अनप्रेजेंट ड्यूटी को परफॉर्म करूंगा और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि मेहरबानी करके इस सब काम को करें और ये मेरा सहयोग करें, तब तो हम चीज़ों को ठीक ढंग से कर सकेंगे। रमेश जी मीणा पहली बार मेंबर नहीं है, तीसरी बार मेंबर है, मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनको ये मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नहीं करता है। उन्हें मालूम है कि कोविड के बाद हमने इस तरह की व्यवस्था की, हमारे कुछ साथी वहाँ बैठे हुए हैं, वो जगह बैठने की क्या, पर हमने व्यवस्था की कि 200 आदमी को बैठाने के लिए हम कैसे इस व्यवस्था को ठीक कर सकें। इसलिए कोविड का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें, बैठने की व्यवस्था करें। उस समय अनप्रेजेंट हमने माइक सबको प्रोवाइड नहीं कर पाए, पर इसके पीछे मंशा नहीं थी कि हम उसको बोलने को डिप्राइव करें। लेकिन डिप्राइव करने के नाम पर हम यदि बैठने की व्यवस्था के संबंध में अध्यक्ष को इंगित करें तो मुझे दुख है, बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नहीं करता। ये फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये गलत इंप्रेशन दिया जाता है कि अध्यक्ष सिटिंग करने की व्यवस्था करता है। सिटिंग करने का काम पार्टी के व्हिप लिस्ट बना के देते हैं, कौन आदमी कहाँ बैठेगा वो लिस्ट अध्यक्ष एंडोर्स करता है, अध्यक्ष ने मर्जी से किसी को नहीं बैठाता। इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवस्था हुई उस व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने के लिए अपने अपने सदस्य को ये बताएं कि इस तरह की व्यवस्था हमने की है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम सदन को चलाना है। इसलिए अनप्रेजेंट ड्यूटी किसी की हुई हो, बैठने के सामने माइक नहीं हो, तो उनसे फिर निवेदन करूंगा अपने पीछे या अपने आगे वहाँ पर माइक का उपयोग लेकर अपनी बात करें, जिससे सदन में अपने काम को ठीक ढंग से कर सके। ये मैं आप सबसे निवेदन है। और दूसरा मेरा जो कमेंट है, हमारे माननीय सदस्य बातचीत करना चाहें करें, उसके लिए लॉबी है।